मुरादाबाद मंडल में मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन के कुशल निर्देशन में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह के नेतृत्व में अनाधिकृत यात्रियों को गाड़ियों में रोकने के लिए लगातार चार दिन मंडल के बरेली स्टेशन पर व्यापक स्तर पर किलेबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे कोई भी यात्री अनाधिकृत रूप से गाड़ियों में यात्रा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ना घूम सके। मंडल के बरेली स्टेशन पर सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक भगवान सिंह और सहायक मंडल सुरक्षा आयुक्त त्रिलोक सिंह रावत की अगुवाई में टिकट चेकिंग टीम ने चेकिंग की। किलेबंदी टिकट चेकिंग अभियान के अंतिम दिन टीटीई स्टाफ और 10 रेलवे सुरक्षा बल के स्टाफ ने 99 अनाधिकृत यात्रियों से 59,070 रुपए का रेल राजस्व प्राप्त किया। अनाधिकृत यात्रियों की वजह से रेल टिकट लेकर अपनी बर्थ पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनाधिकृत यात्रियों की वजह से गाड़ियों में भीड़ हो जाती है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों को सबसे ज्यादा कोच में चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है और यात्रियों की सुरक्षा को भी इन यात्रियों से खतरा है। रेलवे अनाधिकृत व्यक्तियों को रेलगाड़ियों में यात्रा करने से रोकने के लिए समय समय पर अभियान चलाता आ रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने कहा है कि ये अभियान आगे भी मंडल के अन्य स्टेशन और गाड़ियों में चलाया जाता रहेगा, जिससे अनाधिकृत लोगों को गाड़ियों तथा रेलवे प्लेटफॉर्मों पर जाने से रोका जा सके।